Welcome, students. In this video, we will cover an important topic of English grammar that is determiners. Determiners play an important role in English grammar. Dear learners, in this video, we will understand what the determiners exactly are, why they are used, and different types of determiners. Let's initiate with what determiners are Determiners are words or phrase that precede a noun or noun phrase and serve to express its reference in the context. Simply put, determiner is a word that introduces a noun. It always comes before a noun, not after means determiner noun. Se pahle aate hain, नाउन के बाद नहीं एंड इट ऑल्सो कम्स बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब द नाउन ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उनसे पहले भी हम डिटर्मिनर्स का यूज कर सकते हैं नेक्स्ट इज देअर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स इन इंग्लिश फर्स्ट इज आर्टिकल्स नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव क्वान्टिफायर्स Possessives and interrogative determiners. Let's begin with the first category that is article. Articles are among the most common of the determiners. There are three singular articles a, an, and the. They come at the very beginning of the noun phrase. We divide them into इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स इन आर्टिकल्स को जो ए एंड द आर्टिकल्स हैं इनको हम डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ए एंड एन ए एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स वेन यू आर टेकिंग अबाउट अ जनरल वर्जन ऑफ द नाउन वी यूज इनडेफिनेट आर्टिकल जब भी हम जनरल किसी थिंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं किसी जनरल नाउन की बात करते हैं एट दैट टाइम वी यूज ए और एन फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल डॉग इज अ पेट एंड नेक्स्ट इज एन ऑस्ट्रिच वुड बीट अ चिकन इन द रेस इन दीज एग्जाम्पल्स द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट डोग्स और ओस्ट्रिच इन जनरल वेन योर मीनिंग इज जनरल यूज एंड इनडेफिनेट आर्टिकल मीन्स हम एक डॉग की बात कर रहे हैं जनरल बात कर रहे हैं जितने भी डोग्स हैं सब पैट होते हैं और डॉग्स आर फेथफुल अगर हम ये बात करें तो ये जनरल बात हो रही है कि सभी डोग्स हम किसी स्पेसिफिक डॉग की बात नहीं कर रहे इट मीन्स इट हेयर री विल यूज इन डेफिनेट आर्टिकल नोट वन थिंग दैट ए इज़ यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिनस विथ कॉन्सोनेट्स जहाँ पर हम ए की बात करेंगे आर्टिकल ए कहाँ यूज़ होगा जहाँ भी जो हमारे जो हमारा नाउन है वो कॉन्सोनेट साउंड से शुरू होगा वहाँ हम ए आर्टिकल यूज करते हैं वो वाइल एन इज़ यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ वाउल जो वर्ड्स वाउल साउंड से स्टार्ट होंगे वहाँ हम यूज़ करेंगे एन विथ कॉन्सनेंट साउंड वी यूज़ ए आर्टिकल ऑन द अदर हैंड द इज़ डेफिनेट आर्टिकल मीनिंग द स्पीकर इज रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक नाउन अगर स्पीकर एक स्पेसिफिक नाउन की तरह की तरफ इशारा करके बोलता है एक स्पेसिफिक नाउन की बात होती है देयर वी यूज द With consonant sounds, we use a. With vowel sounds, we use an. And with specific, when a speaker refers to a specific noun, there we use the article. For example, the dog is barking too loudly. Second is, we went to the best restaurant in the town. Here, the speaker is referring to a पर्टिकुलर डोग एंड अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट यहाँ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डॉग की बात हो रही है द डोग द डग मीन्स एक पर्टिकुलर डोग की बात हो रही है पॉइंट आउट किया जा रहा है कि वो डोग बा कर रहा है बहुत लाउडली बहुत तेज भोंक रहा है वी वेंट टू द बेस्ट रेस्टोरेंट मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की बात हो रही है जनरल रेस्टोरेंट की बात नहीं हो रही दैट्स वाई हेयर वी हैव यूज द मीन्स डेफिनेट आर्टिकल In short, when your meaning is specific, use a definite article, means article the. The second we will discuss is demonstratives. Demonstrative pronouns are also used as determiners in English. Basically, demonstratives indicate the position or location of a noun from the point of view of the speaker. Some examples of de uh, demonstratives include this, these, that, those. The demonstrative this is used for singular noun that is near the speaker. This we use for singular noun, but wo noun speaker ke paas While these is used for plural nouns. These दिस का प्लूरल फॉर्म है मीन्स दिस और दिस हम यूज करते हैं फॉर द नियर बाय नाउन्स फॉर द नीयर बाय ऑब्जेक्ट दैट दैट आर ऑल्सो क्लोज बाय ऑन द अदर हैंड द डेमोस्ट्रेटिव दैट इज फॉर सिंगुलर नाउन दैट इज फर्दर अवे एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्पीकर से दूर है वहां हम दिस नहीं यूज करते वहां हम दैट यूज करते हैं एंड दोज इज फॉर प्लूरल नाउंस और दोज प्लूरल फॉर्म है दैट की मीन्स दैट एंड दोज वी यूज फॉर फार अवे थिंग्स दैट इज फार फॉम द स्पीकर बोलने वाले से जो दूर होगा देयर वी यूज दैट एंड दोज फॉर एग्जाम्पल आई डोंट वॉन्ट टू गो टू दैट मीटिंग डू यू वॉन्ट दिस पीस ऑफ चिकन दीज ब्लैक रसभरी आ सॉर ही वॉन्टिड दोज बॉयज टू गो अवे दिस एंड दिस रेफर टू आइटम्स नीयर बाय दैट एंड दोज रेफर टू आइटम्स फार अवे दूर के दूर के लिए दैट और दोज का यूज़ किया गया है और जो क्लोज हैं स्पीकर के इन दैट केस वी हैव यूज दिस एंड दिस और नेक्स्ट इज क्वान्टिफायर्स क्वान्टिफायर्स आर डिटर्मिनस दैट इंडिकेट

डे स्टूडेंट्स द गिवन बिलो हिंस टू बी केप्ट इन माइंड द फॉलोइंग क्वान्टिफायर्स विल वर्क विद काउंटेबल नाउन्स कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जो सिर्फ हम काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज करते हैं दैट आर मैनी फ्यू कपल ऑफ अ फ्यू एंड द क्वांटिफायर्स लाइक नॉट मच लिटल अ गुड डील ऑफ नो अ लिटल अ वेट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ विल विल वर्क विद अनकाउंटेबल नाउन्स मीन्स जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ हम लिटल अ लिटल अ गुड डील ऑफ अ बिट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ इस टाइप के क्वांटिफायर्स यूज करते हैं तो क्वांटिफायर्स लाइक ऑल ऑफ द मोस्ट ऑफ़ द अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ सम इनफ लॉर्ड्स ऑफ अ लैक ऑफ विल वर्क विथ द बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स डे स्टूडेंट्स आपको ये याद रखने हैं कि कौन से काउंटेबल के साथ यूज होते हैं कौन से अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं और कुछ कुछ क्वांटिफायर जो दोनों के साथ यूज करते यूज करते हैं इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से याद रखेंगे नाउ नेक्स्ट इज पोजेसिव दीज आर यूज टू एक्सप्रेस पोजेसन और ऑनरशिप ऑफ अ नाउन पोजेसिव डिटर्मिन आर डिफरेंट फ्रॉम पोजेसिव प्रो नाउन्स पोजेसिव डिटर्मिनस पोजेसिव प्रोनाउंस डिफरेंट होते हैं क्यों बिकॉज पोजेसिव प्रोनाउंस कैन बी इंडिपेंडेंट और कैन स्टैंड अलोन। सम एग्जांपल्स ऑफ पोजेसिव इंक्लूड माय, हेज माइन आर योर देयर एंड हर दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पोजेसिव डिटर्मिनस नाउ नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव डिटर्मिनस There are three interrogative determiners in English grammar what, which, and whose. They are used to frame a question. They are usually asked questions about a noun and are always followed by the noun. Examples are which school do you prefer? Here, the word which is determiner. Whose baby are you watching? Whose is the example of interrogative determiner. Now students, remember a few rules to understand the determiners better. These are The first is determiners always come first in noun. Noun phrase Determiners pehle use onge, noun ke And second is to speak about a singular noun generally use an indefinite article indefinite art article means a or an next is to speak about a plural noun generally do not use a uh, do not use a determiner like indefinite uh, indefinite you can use the determiner but try to avoid the use of determiner I hope you understood the concept of determiners. Thank you.